नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। तो कैसा रहा लास्ट वीक आपके लिए, और आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। सो लास्ट वीकेंड मैंने वीडियो अपलोड किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और दोस्तों कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी के मेजर स्टॉक्स होते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज भी इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सेम स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स, एंड अपार्ट अलॉन्ग विद दैट वी हैव निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस आल्सो। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए जल्दी से हम लोग एक लुक लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, और उसके बाद में चार्ट में देखेंगे कि अदर स्टॉक्स में हमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीक में एक ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वीकेंड में, संडे को ऑलमोस्ट, और वहां पे आई थिंक आपको काफी हेल्प मिलती होगी। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने निफ्टी का प्रेडिक्शन देखा था 15,700 तक के लिए, तो वो चीज हमें अचीव हो चुकी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग निफ्टी पे जाएंगे। अब निफ्टी की देखिए अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम भी हम लोग 15,700 तक की बात किए, तो उसके बाद में ये था कि इसके ऊपर अगर चलेगा तो 16,000 टच कर सकता है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो थर्सडे एक्सपायरी का जो दिन था, उस दिन इसने हाई मारा ऑलमोस्ट 15,705 का, उसके बाद में उसकी क्लोजिंग 690 के आसपास में, दैट वाज ऑलरेडी गुड थिंग। उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे लास्ट डे को क्या होता है कि निफ्टी ने जो हाई मारा दैट वाज ऑलमोस्ट 733, यानी 15,733 का हाई लगा, 15,733 का। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, इसने ऑलरेडी 15,700 का जो लेवल है उसको टच कर लिया है, ठीक है। अभी 16,000 लेवल यहां से इसके लिए एक मैजिकल नंबर है, और ये नंबर नेक्स्ट वीक ये अचीव करेगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा संशय बना रहेगा, थोड़ा संदेह है मुझे भी। देखिए रीजन क्या है, अगर मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, जो कि यहाँ पे थोड़े अभी चांस लग नहीं रहे हैं, लेकिन गैप अप ओपन होता है, अच्छा गैप अप ओपन होना चाहिए, इसको 15,780 15,780 का जो लेवल है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी में अगर ये गैप अप ओपन करता भी है तो देखिए इसके लिए जो 15,780 का जो लेवल है ऑलमोस्ट 7, यहां पे आकर के इसको एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि फिर यहां से इसमें सेलिंग दिख सकती है। केस नंबर वन क्या है, गैप अप ओपन होकर के निफ्टी 15,780 तक आए और वहां से रिवर्स ले सकता है। लेकिन उस दिन अगर देखिए रिवर्सल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे अगर इन दोनों के लेवल के नीचे आता है, यानी ऑलमोस्ट 15,650 650 के नीचे अगर क्लोज करता है उस दिन निफ्टी मंडे को, तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर हमें 15,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 15,400 के जो लेवल है वो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। फिर यहां से हो निफ्टी क्या कर सकता है कि फिर से यहाँ से रिवर्स लेकर के ऊपर 16,000 के लिए ट्राई कर सकता है, और अगर 15,400 के नीचे भी क्लोज करेगा तो फिर दोस्तों हम लोग आई थिंक वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा, यानी अगले संडे तक फिर से हम वीडियो एनालिसिस अपलोड कर देंगे उसके लिए। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में जो डाउन साइड है वो 15,400 की है, और अपसाइड की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए एक ये रेजिस्टेंस है 15,780 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आती देन 16,000 एंड 16,000 ऑलमोस्ट 180 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अप साइड में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि निफ्टी इसी रेंज में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रेंज में ही अप एंड डाउन करता हुआ दिख सकता है। उसके पीछे की खास वजह भी है, वो मैं अभी आपको स्टॉक्स में डिस्कस करके दिखाऊं, आई मीन स्टॉक्स के जब चार्ट देखेंगे हम लोग तब हम लोगों को पता चलेगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा ये फंस गया है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए ऊपर के साइड में 35,000 ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 800 के लेवल के आसपास में इसके पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, और डाउन साइड की अगर बात करें तो
डाउन साइड में इसके पास एक ये तीन चार दिन से लास्ट वीक में जो सपोर्ट रहा है ऑलमोस्ट 35,100 या 35,000 का आप बोल सकते हो सपोर्ट बना रहा है। अभी देखिए, अब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है थोड़े चांसेस कम है फिलहाल, मैं आपको बता दूं 37,000 के पहले हो सकता है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप कंपेयर करते हो तो एक चीज बैंक निफ्टी में अच्छी है कि थोड़ा अपने सपोर्ट के पास में आकर के क्लोजिंग दे रहा है, जहां से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि बैंक निफ्टी फिर से आएगा यहां से, यानी कि अगर यहां भी इवन क्लोजिंग दिया 35,000 के आसपास में तो यहां से फिर से ऊपर 35,700-800 के ऊपर की क्लोजिंग बना सकता है, और उसके बाद में दोस्तों फिर आपको 36,500 और देन 37,000 तक के लेवल बनाने की कोशिश कर सकता है। यानी कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है। अब डाउन साइड की अगर बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड है वो दोस्तों 34,000 का डाउन साइड बना हुआ है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला रहेगा। 34,500 का जो लेवल रहेगा वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे बैंक निफ्टी में। तो अब देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो इंडेक्स वाइज चार्ट था वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का बादशाह यानी रिलायंस के बाद अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में भी दोस्तों कुछ वैसा ही सीन चल रहा है। इनकेस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो फिर मैं आपको एक चीज, मैं मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि इवन इफ एचडीएफसी इज कमिंग अराउंड 1480-1480, देन अनदर लेवल इफ इट इज कमिंग नियर 1440 यानी 1440, एंड आफ्टर दैट इफ इट इज कमिंग ऑलमोस्ट 1380, ओके, दिस इज द बेस्ट लेवल। बेस्ट लेवल इन द सेंस, यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप आई मीन 3 months to 6 months का आप सोच के चल रहे हो। तो फिर एचडीएफसी बैंक मैंने व्हाट्सएप लिस्ट में भी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी डाला हुआ है कि आप ऑलमोस्ट देखिए 1640 तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसके बाद निकल के 1700 तक के लेवल इजिली बना के देगा एचडीएफसी बैंक। बट नेक्स्ट वीक की अगर बात करें, हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं मिलने वाली है आपको नेक्स्ट वीक एचडीएफसी बैंक में, कहीं ना कहीं इसका एक जो सपोर्ट रह रहा है वो 1480-1480 के पास में है, और उसके बाद में दोस्तों जो एक सपोर्ट और है, जो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ऑलमोस्ट 1460-1440 के आसपास में एक अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है। तो एचडीएफसी बैंक ओवरऑल अगर आप देखो, इसमें लॉन्ग आप बैंक निफ्टी को और एचडीएफसी बैंक दोनों को, आपको लॉन्ग तभी करना है यानी उस पर बाई तभी लगानी है, या आप जैसे आप ऑप्शन बायर हो या फ्यूचर बायर हो तो फ्यूचर वगैरह आपको तभी बाई करना है जब 1520 के ऊपर एचडीएफसी बैंक क्लोजिंग देता है। आफ्टर दैट यू कैन बाई इट फॉर आई मीन फ्यूचर आपने बाई किया देन 1550 से लेकर के ऑलमोस्ट आपको 1600 तक के लेवल उस पर देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल देखिए, एचडीएफसी का जो एचडीएफसी बैंक जो है वो ना तो निगेटिव यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है और ना ही पॉजिटिव। पॉजिटिव के चांस थोड़े अच्छे बन जाएंगे अगर ये क्लोजिंग देता है 1520 के ऊपर, और वही चीज अगर आप बैंक निफ्टी के भी चार्ट में देखो तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास में क्लोज है, यानी डाउन साइड में थोड़ा इसमें कम लग रहा है और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। इनकेस अगर उधर एचडीएफसी बैंक टूट करके 1480 आता है तो यहाँ बैंक निफ्टी भी टूट करके हो सकता है आपको डाउन साइड में 34,800-34,500 तक आता हुआ दिख सकता है। अब एचडीएफसी बैंक के साथ में आईसीआईसीआई बैंक पे भी नजर डालेंगे तो इस पे भी अब आप इसे अच्छा बोलो या बुरा, लेकिन दोस्तों एक चीज इस पे सही लग रही है कि अपने बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोजिंग दे रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, 640-638 यानी 640-638 का जो एक इसके लिए सपोर्ट है वहीं पे क्लोजिंग है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग अब आती है इन आईसीआईसीआई बैंक, इट इज कमिंग नियर 623 एंड आफ्टर दैट इट माइट कम टू 600 लेवल, बट 623 और 620 के नीचे थोड़ा कम चांसेस है आईसीआईसीआई बैंक के आने के। हाँ, अपसाइड में अगर एक बार इसने क्लोजिंग बना दी, देखिए ओवरऑल अगर रेजिस्टेंस आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 680 के पास में एक रेजिस्टेंस बैठा है, बट उसके ऊपर 660 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये 680 वाला लेवल इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा लेवल नहीं रह जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा और इसको आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो
चीजें वही है दोस्तों। एचडीएफसी भी देखिए अपने सपोर्ट के पास में, ज्यादा ज्यादा 20 पॉइंट्स गिर सकता है, वहां से रिवर्सल है। आईसीआईसीआई बैंक में ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो रिवर्सल बिल्कुल पक्का दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वहां पे थोड़े चांसेस ऊपर के बन रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर इसने भी ये चीज क्लोजिंग कर दी, नीचे ब्रेक करके क्लोज करता है, तो मंडे को ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा 36,500 और 37,000 के लिए, या फिर 34,500 के लिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। डिपेंड करेगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पर। देन नेक्स्ट स्टॉक इसका कोटक का ले लें। तो दोस्तों कोटक में पहले भी मैं बोल रहा था, देखिए 1800 का जो लेवल है वो आपको कोटक ने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, और इसके ऊपर की क्लोजिंग 1820 के ऊपर की क्लोजिंग आने देते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा मूव बनेगा 1900 और 1980 का। मैंने लास्ट टू वीडियो, यानी आप पिछले दो हफ्तों के मेरे जो भी मैं संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, वहां पे आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। तो अभी इसमें इजिली 1820 के ऊपर की जो क्लोजिंग आती है, इट इज गोइंग टू मेक 1980-1900 लेवल फॉर यू। तो इसको भी ट्रैक पे रखो, ये बियरिश बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर इस पे जैसे जिन लोगों ने पोजिशनल एक्यूमुलेट किया था 1720-1740 के आसपास में, उनको शॉर्ट टर्म अगर स्टॉप लॉस चाहिए, देन शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस जो है हमारा 780 का, यानी 780 के नीचे क्लोज होता है, देन आप वहां से एग्जिट करके फिर से वेट कर सकते हो 1730 यानी 1730 और 1740 लेवल के आसपास का, वहां पे री एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में एक्सिस बैंक की बात करें, थोड़ा सा लिटिल निगेटिव इसमें, थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा निगेटिव है, और 760 के ऊपर की जब क्लोजिंग बनेगी तभी इसको लॉन्ग करना है, अदरवाइज इसमें फ्यूचर्स वगैरह आप लॉन्ग कर रहे हो तो थोड़ा अवॉइड करो, और इसको शॉर्ट भी करना है तो अभी तो देखिए नो ट्रेड जोन है, शॉर्ट करना है तो 728 के नीचे आप जब क्लोजिंग दे तभी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। उस टाइम पे 700 तक का जो लेवल है, 700 तक का जो लेवल रहेगा, 705-700, वो आपके लिए एक टारगेट का काम करेगा डाउनसाइड में। ऊपर की बात करें 760 के ऊपर जब ये क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्री मूव आएगा 800 लेवल के लिए। तो एक्सिस बैंक से 50-50 वाली उम्मीदें हैं, बट कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा अगर डाउन मूव जैसे आता भी है इसमें 740 से लेकर के 730-728 तक का एक डाउन मूव आपको नेक्स्ट वीक तक में दिख सकता है। फिर वहां से अगर रिवर्स कर गया देन डेफिनेटली दिस विल आल्सो लीड बैंक निफ्टी टू गो अपसाइड 36,500 एंड 37,000, यानी 37,000 के लेवल बनवाने में इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट बैंक बैंकिंग स्टॉक, आई थिंक गाइज मैंने जो मेजर बैंकिंग स्टॉक है, और दोस्तों यही जो स्टॉक है ना, यही निफ्टी में भी आपको मदद करेंगे, यानी निफ्टी के, बिकॉज निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक है, अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो टॉप 10 स्टॉक्स में ये सारे स्टॉक आते हैं। अगर ये रन करेंगे ऊपर की तरफ तो निफ्टी को भी ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे। डाउन साइड में आते हैं तो डाउन साइड में बताया ना, उधर 15,400 तक का एक सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में, तो ज्यादा नहीं 300 पॉइंट तक की गिरावट नेक्स्ट वीक में अगर आपको मिलेगी तो मिलेगी, अदरवाइज एक बार 15,780 के ऊपर की क्लोजिंग आती तो फिर 16,000 के लेवल क्लियर हो जाएंगे, और उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक ये सब रिवर्सल करके ब्रेकआउट आपको दे चुके होंगे, अच्छे लेवल आपको ऊपर की तरफ बनवाएंगे। कमिंग टू मोस्ट पॉपुलर स्टॉक इस समय पीएनबी की अगर बात करें, काफी पॉपुलर है, और दोस्तों पीएनबी में एक चीज आप देखोगे 45, मैंने पहले भी बोल रखा था 45 का जो लेवल है, अगर जिनको फ्रेश एंट्री बनानी है या तो वो 45 का लेवल, जिस दिन 45 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे पंजाब नेशनल बैंक तब आप उस पे एंटर करो, अदरवाइज वेट कर लो, इट माइट कम नियर दिस लेवल, यानी कि एक इसका सपोर्ट, इवन आप करेंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री लेते हो 43 पर तो भी आपको देखिए, जो अगर आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 41 का रखोगे और उसके बाद में होल्ड कर सकते हो तो कर लो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 45 ब्रेक करने के बाद में इट इज गोइंग फॉर 58 लेवल एंड 60 लेवल, बट इन केस 41 को ये ब्रेक कर जाए और आपको शॉर्ट टर्म बिल्कुल एक दो हफ्ते के लिए ऐड किया था तो आप एग्जिट कर जाना, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी 41 से 39 वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके लिए है जो
इस पे एंट्री लेना चाहते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री के दो चीजें हैं, पहला पॉइंट है या तो 45 के ऊपर क्लोज करे तब एंट्री बनाओ, अदरवाइज वेट करो 41 से 39 की रेंज में जब आ जाए वहां पे आप एंट्री बना सकते हो। ओवरऑल आई मीन एक बार ये रिटेस्ट होके नीचे आने दो, रिटेस्ट करेगा फिर यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाए मेरे लिए स्टॉक अच्छा है, एंड इवन आई एम आल्सो होल्डिंग दिस स्टॉक। ग्रासिम का ले लिया, हालांकि निफ्टी टॉप 10 में नहीं है ना तो पीएनबी था, ग्रासिम में दोस्तों ब्रेकआउट आया है। तो ये एक्चुअली में मैं चार्ट देख रहा था तो खुला रह गया, ओके। तो यहाँ आप लोग भी देख सकते हैं ग्रासिम में ब्रेकआउट है, सीधा सीधा ब्रेकआउट है, और अब ये यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1680, उसके पहले 1590 ऑलमोस्ट 1600 तक के लेवल, उसके लेवल उसके बाद में 1700 यानी 1680 और 1700 तक के लेवल आपको ग्रासिम बना के दे सकता है। सीमेंट स्टॉक है और नो डाउट आप जानते हो सीमेंट स्टॉक में इस समय अच्छी खासी डिमांड चल रही है। अब चलिए निफ्टी टॉप 10 के स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस, इन्फोसिस में देखिए लास्ट टू वीडियोस में यानी लास्ट टू वीक पहले से मैं आपको बोल रहा था 1400 तक के लेवल हमें मिलेंगे, यानी 19 मई या फिर इधर आप 17 मई ले लो, तो यहाँ पे मैं आपसे बोला करता था कि 1400 के लेवल के लिए इसको बाई करके रख लो, वो आपको मिल चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा ये कंसोलिडेट कर रहा है, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना है, दैट इज 1380 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद में वहां से आप एग्जिट कर सकते हो अगर डाउनसाइड में है, अदरवाइज इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलना है, ठीक है, यानी टू मंथ्स थ्री मंथ्स सिक्स मंथ ऐसे जाना है, देन बेटर इंस्टीड ऑफ एग्जिटिंग हियर यू कैन एड मोर इफ इट इज कमिंग अराउंड 1340 1330 लेवल इफ इट इज कमिंग देन यू कैन एड मोर। सो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए इस पे मुझको ट्रेड अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है कुछ भी, सो आई विल अवॉइड इन्फोसिस फॉर ट्रेडिंग पर्पज, बट यस इफ इन्फोसिस इज गोइंग टू क्लोज अबव 1415 आप बोल दीजिए 1415 के ऊपर की क्लोजिंग अगर इस पे बनती है 1415 के ऊपर, देन इट इज गुड फॉर 1440 लेवल एंड 1480 लेवल यानी 1480 तक के लेवल, तब यहाँ पे लॉन्ग करेंगे इसको। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता ऑलमोस्ट देखिए 1380 का जो लेवल है, ओके, यानी कि सॉरी 1370 1370 के लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसमें यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे, एग्जिट इन द सेंस इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, एग्जिट तो आपको करना है जिस दिन ये 1380 यानी 1380 के नीचे क्लोज कर जाए वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट फॉर शॉर्ट सेलिंग इफ यू वॉन्ट टू सेल इट्स फ्यूचर और यू वॉन्ट टू बाई पुट, बेटर यू वेट फॉर इन्फोसिस टू क्लोज बिलो 1370 लेवल, तभी उसके बाद आप पुट वगैरह इस पे बाई करेंगे। कमिंग टू TCS, TCS में भी दोस्तों उतना भी मजा नहीं आ रहा है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, और हाँ आई थिंक थोड़ा सा गिरेगा आकर के, अगर 3100 तक के लेवल तक आता भी है तो वहाँ पे जिनको देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपने रखा है तो वहाँ पे अपनी बाइंग लगा सकते हो, बाकी इस पे अभी ना तो लॉन्ग ट्रेड दिख रहा है मुझे ना तो शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, अवॉइड करेंगे, और है भी तो दोस्तों बहुत छोटा ट्रेड है, ऑलमोस्ट फ्यूचर्स की अगर आप बात करो तो यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, बट वही है देखिए 3126 के आसपास में इसके नीचे क्लोज करे तो आपको वही 20 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट गेम दिख सकता है, सो अवॉइड दिस, सिंपली अवॉइड दिस। यस इफ इट इज कमिंग नियर 3100 3100 के लेवल के पास में आता है या 3120 के आसपास में आता है यू कैन बाई दिस स्टॉक फॉर एक्युमुलेशन पर्पज एंड टारगेट विल बी सेम 3300 प्लस, तो यहाँ पे आप इसको बाई जरूर कर सकते हो, सेल करने से इसको अवॉइड करो थोड़ा। नाउ कमिंग टू SBI, सो SBI का दोस्तों अभी 440 तक के इवन 445 तक के भी लेवल आए हैं आई बिलीव, अगर आप ये कैंडल चेक करोगे, नो दिस इज हाई ऑफ 441, ओके लेट्स चेक दिस कैंडल 441, जी हाँ 441 442 तक का एक यहाँ पे इस पे बना हुआ है रेजिस्टेंस। अब जब तक इसमें 445 1445 के ऊपर की क्लोजिंग सॉरी 445 यानी 445 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं बनेगी, इस पे लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करने के लिए इसको अगर ये देखिए ऑलमोस्ट 430
430 के लेवल के नीचे क्लोज करता है तो ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम 10 पॉइंट्स के लिए। ओवरऑल अगर एक इसका अच्छा सपोर्ट आप देखें, दैट इज ऑलमोस्ट 420 लेवल, 420 लेवल के नीचे क्लोज करता है तो आपको एक और यहाँ पे लेवल, मैं ये चार्ट को अभी एक्सपेंड कर दूंगा, ये आपको एक और 410 तक का एक चांस देगा, ठीक है। अब ये दोनों जो लेवल है यानी 420 से 410, 420 से 410 के बीच का लेवल है, बस यहीं पे थोड़ा घुमाता रहेगा आपको SBI अगर नीचे आता है, और उसके बाद में यहाँ से ऊपर के लिए ट्राई कर सकता है। बट इन केस अगर वाकई में सेलिंग अच्छी आती है, प्लान कर रखा है लोगों ने, तो फिर दोस्तों जिस दिन ये 410 के नीचे, 410 के नीचे की क्लोजिंग बना देगा, वहां पे आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट 385 तक के लेवल और 380 तक के लेवल मिल सकते हैं SBI में। ओवरऑल अगर मैं बोलूं SBI को अवॉइड करो फिलहाल, ना तो इसका पुट बाई करो, पुट बाई करना है 430 के नीचे करना है इंट्राडे में, और जैसे ही ये 421 420 आता है वहां पे अपनी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ऊपर की बात करें, व्हेन इट इज क्लोजिंग अबव 445, 445 के ऊपर की जिस दिन क्लोजिंग दे दे, उस दिन आप इस पे लॉन्ग हो जाओगे, उसका जो भी करना है फ्यूचर बाई करना है कर सकते हो आप, 480 जो है वो लेवल आपको दे देगा। तो SBI में ऑलमोस्ट मुझे जैसे TCS है, जैसे SBI है, जैसे इन्फी है, मतलब मिले जुले इनके रेस्पॉन्स हैं, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट इन तीनों स्टॉक्स में मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है, जब तक कि ये जो मैंने आपको लेवल दिए उन लेवल के ऊपर की क्लोजिंग ना बनाए या फिर उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे की क्लोजिंग ना बनाए। तो जैसे नीचे की क्लोजिंग की बात करें, 410 के नीचे क्लोजिंग बनाए तो एक अच्छा मूव आएगा डाउनसाइड में, ऊपर की बात करें तो जब तक 445 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक 480 के चांसेस नहीं बनेंगे। नाउ कमिंग टू नंबर वन स्टॉक ऑफ निफ्टी, दैट इज मुकेश भाई अंबानी। सो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने 2200 के लेवल आपको दे दिए दोस्तों, 2200 जिस लेवल की हम लोग बात कर रहे थे वो हमें मिल गया। अभी यहाँ से अगर थोड़ा रिलायंस नीचे आता भी है तो 2100 का हमारा एक बेस है, तो जिन्होंने देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, थोड़ा सोच समझ के कर रखा है, उनके लिए तो मैं बता दूं 2100 तक का जो लेवल रहेगा वो उनके लिए एक सपोर्ट का काम करता रहेगा। तो जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है डेफिनेटली वो 50% क्वांटिटी अपनी बेच लो, 50% होल्ड कर लो, और जब 2100 आता है वहां पे जो 50% बेचा था उसी में 25% अब बाई कर लो, और इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग कहीं ना कहीं ये बनाता है अगर के 1980 और 2000 के लेवल पे, वहां पे रिमेनिंग 25% आप उस पे ऐड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी को जो 16000 के ऊपर ले जाने के लिए एक और जो बहुत मेन इंजन है निफ्टी का वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, और मे बी वो नेक्स्ट वीक जो है ऑलमोस्ट 2160 से लेकर के 2150 यानी 2150 2160 तक के लेवल में आ सकता है। और दोस्तों जब ये इस लेवल में आएगा ऑब्वियसली जो निफ्टी का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि 15400 तक का डाउनसाइड हमें दिख सकता है। तो दोस्तों रिलायंस में बस ऐसे ही रखना है, एक बार क्लोजिंग अगर हाँ इसमें 2220 यानी 2220 के ऊपर की क्लोजिंग दिखती है देन इट इज गुड फॉर 2300 एंड ऑलमोस्ट 2380 लेवल, तो तब की तब देखी जाएगी। आई थिंक नेक्स्ट वीक में हमें ये 2300 लेवल के बारे में सोचना गलत होगा, बेईमानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 2300 के ऊपर 2300 को टच करने जाएगा 2200 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक जो रिलायंस है वो इसी रेंज में रहने वाला है 2100 से 2200 की रेंज में, और ये जो रेंज रहेगी वो निफ्टी को भी एक रेंज में रखेगा। आफ्टर दैट एक और स्टॉक की बात करते हैं जो कि ब्रेकआउट आया है, और दोस्तों उस ब्रेकआउट से पहले एक चीज और, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है और तो आप डेफिनेटली ओपन कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। उसके पहले टेलीग्राम चैनल कंप्लीटली फ्री, यू कैन ज्वाइन हियर t.me/nrjfinance है, चैनल का नाम है nrjfinance। ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो @bknrj हैंडल है, यूट्यूब में आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दो। और साथ में दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना है वो भी फ्री में, तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो यूजिंग माई रिफरल लिंक। एंजल ब्रोकिंग में भी कम्प्लीटली फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, अपस्टॉक में आई थिंक 199 चार्जेस हो गए हैं, इसलिए जब भी आप मेरा रिफरल लिंक यूज करोगे उनको
फीस पे करने से पहले एक बार आप मुझे पिंग करके कंफर्म कर लेना कि वो आपका नंबर, आपकी आईडी मैप हुई है या नहीं हुई है। सेम थिंग इन जीरोदा, इफ यू वांट टू ओपन इन जीरोदा यू कैन पिंग मी फॉर विद योर नेम एंड नंबर, आई विल गिव यू द लिंक। तो दोस्तों इनमें अकाउंट तभी ओपन करना है जब आपको इसमें ट्रेड करना हो। अगर ट्रेड नहीं करना है ये जो न्यूली ओपन अकाउंट है, देन प्लीज डू नॉट ओपन अकाउंट। अब चलिए, इसके अलावा ट्विटर में भी अगर आप देखोगे काफी सारे मैं ट्रेड्स डालता रहता हूँ, यहाँ भी आप ट्विटर फॉलो कर सकते हो। काफी पहले भी मैंने ट्रेड्स डाले हुए हैं, चार्ट एनालिसिस डालता रहता हूँ। अगर आपको याद हो एक बार मैंने SRT रैंसविन की डाली थी, राइट, वो भी अच्छा परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी। और रिसेंट में मैंने अगर आप देखोगे तो एक और एस्कॉर्ट मोटर पे मैंने एक एनालिसिस डाली हुई है जो कि वीडियो में देखे, मैंने एस्कॉर्ट को डिस्कस नहीं किया है, बट इफ यू वांट टू लुक एट एस्कॉर्ट शेयर यू कैन गो थ्रू दिस थ्रेड, यू विल गेट इंटायर कंप्लीट आइडिया। नाउ कमिंग टू ब्रेकआउट स्टॉक, जी हाँ, कैस्ट्रॉल इंडिया दोस्तों कई समय से क्या कर रहा था, एक रेंज में चल रहा था, यानी कि इसका डाउनसाइड जो बना हुआ था 90 का था, और वो भी 2020 में मार्च में, याद है ना। तो ज्यादा देखिए इस पे डाउनसाइड भी नहीं मिला था, 90 तक आया था, उसके बाद में एक और जो डाउनसाइड मिला 105 का आया, उसके बाद में एक और मिला 117 का आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कैस्ट्रॉल इंडिया थोड़ा सही स्टॉक लग रहा है यहाँ पर, आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं देगा, हाँ फायदे के चांस ज्यादा है यहाँ पर। अभी ब्रेकआउट आया है दोस्तों इसमें, अगर आप देखोगे रिसेंट हाई जो था 139, उसके ऊपर की क्लोजिंग बनी है 141 की, इस पे अभी 160 तक के जाने के चांसेस हैं। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखो, अगर पहले से है तो इसको होल्ड करो, और 160 तक के लिए आप इजीली होल्ड कर सकते हो। एक बार 160 के ऊपर की क्लोजिंग बनाता है देन वी विल अगेन रिव्यू दिस स्टॉक फॉर अपर लेवल्स, दोज आर ऑलमोस्ट 170 एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे 212 तक के लेवल है, तो पहले 160 यानी 160 की क्लोजिंग होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है इसमें। तो अभी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हैप्पी वीकेंड, थैंक यू।